इसको देंगे, पप्पू जी को वोट देंगे, पप्पू जी को देखते हैं जो भैया क्या करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रमैया गांव में आए हुए हैं, जहां पर हम बात करेंगे जाप के जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार जी से कि आपका इस बार चुनाव में, तो मनीष जी बताइए कि आपका चुनाव के प्रति इस बार किस प्रकार। देखिए, चुनाव के प्रति जो अभी जनता में जो है, नीतीश जी और लालू जी को भी लोग ने देख लिया, और अभी लोगों में डिमांड है पप्पू यादव के प्रति जो है प्यार स्नेह मोहब्बत। लोग ने मन बना लिया है कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री पप्पू यादव जी को बनाना है। वो हमेशा गरीबों के सेवा में हाजिर रहते हैं, और ये भदैया जो है लगभग जितना भी दलित महादलित अति पिछड़ा, हमने हर जगह घूमा और लोगों का जो रुझान है पप्पू यादव जी के प्रति साफ दिखाई नज़र आ रहा है कि इस बार पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। जी मनीष जी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, हम उन सब से भी बात करेंगे। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि इस बार जाति से उठ करके वोट करना है, क्योंकि सबको देखा, लालू यादव के भी 15 साल देखे, नीतीश कुमार के भी 15 साल देखे, तो इन दोनों में जो कमियां हैं उनको पप्पू यादव जी आएंगे तब दुरुस्त कर देंगे बिहार की जो व्यवस्था है, क्योंकि अब इस बार दाने दाने के लिए लॉकडाउन में मोहताज हैं, तो सबकी कमी को दूर कर पाएंगे पप्पू यादव जी। देखिए, इस बार जो मजदूरों के साथ जो सरकार ने खेला, मजदूर का जो दर्द झलका इस बार कोरोना वायरस को लेकर या बाढ़ का चपेट हो, और यहाँ जो जितने भी महिलाएं हैं, माता एवं बहनों, ये सब दलित परिवार से आते हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सरकार के प्रति इनके दिल में कितना दर्द है और पप्पू यादव जी के प्रति कितना प्यार मोहब्बत स्नेह है। लगता है जो इस बार पप्पू यादव जी के प्रति माता बहनों जो हैं एकदम अपना आशीर्वाद देंगी। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रेम जी से, ये भी जिला उपाध्यक्ष हैं जाप पार्टी के, तो हम इनसे बात करेंगे कि आपका जो टीम है यानी कि कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में काम। सबसे पहले आशीष जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज रमैया पंचायत में कैंपेनिंग के लिए आए हैं, अपने न्यूज के लिए कवरेज करने के लिए। और हमारे साथी मनीष जी जो बताएं पप्पू यादव जी के बारे में, मैं ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 मिनट बोलना चाहते हैं। 15 साल नीतीश कुमार जी और 15 साल लालू यादव जी को जनता ने देख चुका है। नीतीश कुमार जी आरोप लगाते हैं कि लालू यादव जी पे कि यह जंगल राज है। अरे भाई, जंगल राज जब है तो आप ये 15 साल में क्या कर लिए? अभी लगातार देख रहे होंगे कि मर्डर, हत्या, बलात्कार होता है, और इतना ग्राफ बढ़ गया है कि लोग बेरोजगार होकर के चिंताई कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जितने भी दलित महादलित काम करने वाले लोग, दिहाड़ी करने वाले लोग जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहते थे, वो लोग बेरोजगार होकर के घर पे बैठे हुए हैं। हमारे पप्पू यादव जी 6 महीने में, कोरोना काल में दिल्ली में लगातार 6 महीना कैंपेनिंग करके शुरू से ही वो खाना का व्यवस्था किए हैं। जहाँ तक संभव होता है वो उनका टीम और हम लोग कार्यकर्ता मिल करके पूरे टीम के साथ, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, जो भी हो, हम लोग हर संभव मदद हर एक घर में पहुंचाते हैं। पटना में भी आप देखे होंगे बाढ़ की समस्या था, खुद पप्पू यादव जी JCB पे चढ़ चढ़ करके देखे होंगे खाना पहुंचा रहे थे। जैसा कि हम बता रहे हैं प्रेम जी, कि पिछले वर्ष जो बाढ़ आया था खासकर पटना,
बाढ़ से नहीं बारिश के पानी से डूब गया था, उसमें काफ़ी मेहनत किए थे, काफ़ी चर्चा में उस टाइम आए थे पप्पू यादव जी और लगातार सेवा कर रहे थे, जन सेवा कर रहे थे, तो उसके बारे में बता रहे हैं प्रेम जी। और मैं यहाँ के जनता से सिर्फ इतना कहूँगा, हमारे चाची लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ गार्जियन लोग हैं, कहूँगा कि सिर्फ एक मौका दिया जाए और जनता ने इस बार मन बनाया है, जिस तरह से रुझान पप्पू यादव के प्रति है, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि पप्पू यादव जी को जिताना है और यहाँ से उनको मुख्यमंत्री बनाना है। हम मोहद्दीनगर विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग रहते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन आज तक मोहनार मोहद्दीनगर सड़क चौड़ीकरण के लिए कभी मांग नहीं उठाएं। हम लोग का मूल समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी ये है, लेकिन यहाँ न ही सही ढंग से बिजली मिलता है, न सही ढंग से रोड का समस्या, सड़क का समस्या निदान हुआ, सिर्फ आते हैं वादा करके चले जाते हैं। इसीलिए हमारे कैंडिडेट इस बार मोहद्दीनगर से अजय कुमार बुल्कानी जी होंगे और उनको लोग जिताने का काम करेंगे। और रुझान भी है, आप घूम घूम करके देख लीजिएगा कि पप्पू यादव के प्रति रुझान भी है। अभी भी कोरोना काल में पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह समस्या का निदान किया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, जहाँ पैसा का जरूरी हो पैसा भी दिया जा रहा है। और क्या कहेंगे, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। तो जैसा कि सुन रहे थे, प्रेम जी ने अपने पार्टी जॉब के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो इस कोरोना महामारी में, जो वैश्विक महामारी है, उसमें खासकर मजदूर को दिक्कत हुआ है, खासकर जो निचले तबके के लोग आते हैं, क्योंकि वो मजदूरी करके अपना जीवन याज का चला रहे थे। तो आइए हम यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। चाची जी बताइएगा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वह आप लोगों को कोई चीज़ का सुविधा नहीं मिला है? लॉकडाउन में सब मर गए, यहाँ कमाए वाला सब यहाँ बैठल है। अच्छा, तो कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं। तो फिर से अब चुनाव है, तो नेता जी आएंगे घर घर घूमकर वोट मांगने, तो इस बार वोट किसको दी गया है, मोदी जी को, लालू जी को कि पप्पू जी को? पप्पू जी के देंगे। पप्पू जी का सुनते हैं, पप्पू जी अच्छा काम कर रहे हैं, टीवी में देखते हैं ना? हाँ, अच्छा काम करते हैं। आइए दूसरी महिला भी, उनसे हम बात करते हैं कि बताइए इस बार जो समस्या हुआ है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में चल रहा है, कोरोना एगो है बीमारी आ गया बा, जैसे तनी दिक्कत है, तो सब मजदूर के ज्यादा दिक्कत है, तो मैं अपने हो के दिक्कत होल बा? हाँ, हमरो दिक्कत है। खाना पीना सरकार के द्वारा भैया मिलल? खाना पीना कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जैसा कि यहाँ की महिलाओं का कहना है कि कुछ नहीं मिला है, तो इस बार अभी चुनाव सर पर है, इस बार वोट कीजिएगा, वोट तो करना जरूरी है कि ऐसा ना कीजिएगा? वोट तो देंगे, लेकिन लालू यादव को देंगे ना, नीतीश कुमार को देंगे वोट, तो पप्पू यादव को। मतलब इस बार एकदम मन में बना लिए हैं कि ना लालू ना नीतीश कोनो को नहीं देना है? देंगे वोट देंगे तो पप्पू यादव को, उसको देखते हैं जो भैया क्या करते हैं। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं घर में अगर टीवी है वो देखते हैं, तो पप्पू यादव जी लगातार पप्पू यादव का न्यूज देखते हैं कि गरीबों को मदद करते हैं, घर घर जाकर मदद की, पिछले साल जैसा कि देखा था दूध की थैली तक गरीबों के घर में पहुंचाए थे। अगर सरकार ने उन्हें रोक लगा दिया था तो ट्रैक्टर पर, जेसीबी पर बैठ के हर घर में जो एक गरीब बच्चा होता था, एक माँ का 6 महीने के बच्चे तक दूध की व्यवस्था कराए थे। तो वैसे ही महिला उनके साथ फैन हो गए, तो और महिलाओं से बात करते हैं। आप बताइए इस बार वोट कीजिएगा, किसको कीजिएगा? पप्पू जी के। लालू जी के कहा है ना, लालू जी का नीतीश के नहीं देगा, इसलिए जो भूखा मर रहा है लॉकडाउन में, बाल बच्चा बेटा भतर सब आगू में बैठा हुआ है। अच्छा, रोजी रोजगार का कमाते, रोजी रोजगार नहीं है जी, कोरोना को निकाल दे रखी, कोरोना में कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोरोना काम धंधा बंद कर दिया है, किसी को काम नहीं देता है। मतलब काम नीतीश जी तो लॉकडाउन से पहले बोल रहे थे कि हम बिहार में सब आ जाए तो बिहार में नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिला बिहार में किसी को, नहीं कोई मजदूर, कोई कामो नहीं, मजदूर के कामो नहीं मिला। जैसा कि बोल रही महिलाएं कि हम किसी प्रकार से सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, हम एक रोजगार चाहते हैं, वह रोजगार भी सरकार देने में असमर्थ है, इसके कारण इन्होंने सब यहां पर। और महिला से बात करते हैं, बताइएगा चाची जी इस बार वोट किसको करना है? पप्पू जी के। पप्पू जी करना है, पप्पू जी आते हैं देखते हैं या ऐसे ही सिर्फ पप्पू जी काम अच्छा कर रहे हैं अभी जहाँ है वहाँ पर, इसलिए
अच्छा काम करती तब ना हम सब साथ देवे ना करती तो ना देवे वोट देख ले एक बार दे के दूसरा बार ना देवे। जैसा कि बता रहे काम अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी पर लगातार वह चर्चा में है, इसलिए इनका कहना है कि जो इस बार हम पप्पू यादव जी को एक बार मौका देना चाहेंगे, अगर वह काम अच्छा करते तो उनको आगे करेंगे। तो और महिलाएं हैं, अब बताइए कुछ, आइए आइए यहाँ पर एक चाचा जी, उनसे बात करेंगे कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार के द्वारा आपको कुछ उपाय किया गया है? कुछ उपाय नहीं किया गया है। कुछ उपाय किया, आप तो ऐसे लग रहा है जैसे काम काज यहाँ पर बिहार में कुछ नहीं, खाना पीना धंधा कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया है, मतलब कि सरकार के द्वारा कोई मुहैया नहीं कराई जाती, कुछ भी नहीं करते। इस बार वोट किसको कीजिएगा, लालू के, नीतीश के कि पप्पू के? लालू जी का देंगे ना नीतीश को देंगे, पप्पू जी को वोट देंगे। पप्पू जी को वोट दीजिएगा, पप्पू जी का देख रहे हैं लगातार न्यूज में बने हुए, सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं काम, जो भी काम कर रहे हैं कर रहे हैं काम, अभी कुछ में नहीं है ना, तो विधायक है ना तो सांसद है, तो काम कर रहे हैं ना, तो बताइएगा आप चाचा जी सरकार के द्वारा कुछ मिला है राहत? नहीं, कुछ नहीं मिला है, खाना पीना का व्यवस्था, कोई काम मिला है अगल बगल? काम मिला है, थोड़ बहुत मिला है, थोड़ बहुत उसे पेट का गुजारा हो जाता है ना, होता है तो पेट काट कर कितना दिन काम कीजिए, बैठल है कैसे काम होगा? हाँ ऐसे में तो कहीं हमकी वोट आएगा मांगने, तो केकड़ा वोट दीजिएगा? पप्पू जी के दीजिएगा एकदम, हमकी पप्पू जी का मुख्यमंत्री बना देना है। चलिए तो और हम यहाँ पर लोग हैं वहाँ से बात करते, कुछ उसको ले लीजिएगा, सुनिए ना एक मिनट, मोबाइल ही निकाल दीजिए। बात करते हैं यहाँ पर बड़े भैया हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो इस बार कोरोना वैश्विक महामारी का जो पूरा देश तंज झेल रहा है, खासकर बिहार में भी, क्योंकि बिहार पहले से ही इस महामारी के चपेट में तो आया गया, पहले से गरीब बिहार बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को कामकाज नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे कि पप्पू यादव जैसा तो धरती पर नेता कोई नहीं है जी, जी लेकिन पप्पू यादव मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ को बिहार का जनता उनको सपोर्ट नहीं करता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बार पप्पू यादव को सपोर्ट करें पूरी तरह से, उनको कैसे, काफ़ी यहाँ पर महिलाएं थे, उन्होंने तो बोला कि पप्पू यादव को ही इस बार हम वोट देंगे, तो मैं भी बोल रहा हूँ ना इस बार पप्पू यादव जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं बतला रहा हूँ कि RJD को यहाँ का विधायक अजिया यादव है, 5 साल में हमारे गांव में एक दाग नहीं देख, चेहरा भी नहीं देखने के लिए आए हैं। मैं उनसे बोले कि मैडम अब वोट को सामने में तो आती है तो हाँ मजबूरी रहता है, हम बोले हमको कुछ चाहिए तो बोलती है क्या 5 लाख रुपया लेंगे तो आपको हम समुदाय भवन देंगे, इसलिए RJD का बहुत ही यहाँ से कोई कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब अजय यादव जी से यहाँ के रमैया के स्थानीय निवासी जब बात करने गए कि एक सामुदायिक भवन दे दे तो बोलते हैं कि 5 लाख रुपया दो तब देंगे, ऐसा इन्होंने कहा, और किसी प्रकार की कोई सुविधा रमैया पंचायत में, रमैया भदैया उसमें किसी प्रकार का गरीबों को कोई सुविधा नहीं देते। तो यहाँ पर और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, चाचा जी थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि यहाँ तक जो बड़े न्यूज़ चैनल हो या छोटे न्यूज़ चैनल हो कोई भी नहीं पहुंच पाता, हम आए हैं यहाँ के जनता के देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी दलान दुलान है जो मवेशी पालते हैं, जो जीवन यापन करने के लिए एक युवा सब हैं उनसे पूछ लेते हैं, जो बोलते बोलो ना, शायद घबरा रहे हैं, तो कुछ युवा हैं, युवा को तो आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर अपना बात रखें क्योंकि देश की रीढ़ होती है युवा, तो आइए यहाँ पर एक युवा, पहले नाम बताइए आपका क्या है? जी मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। जी अंकित कुमार नाम है इनका, तो इनसे हम बात करेंगे कि जो ये कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार के द्वारा जो उठाया गया कदम है सही है, आप लोगों को कहीं ऐसा पहले के बताइए क्या कर रहे हैं, अभी क्या करते हैं आप? घर पे बैठे, पढ़ाई लिखाई भी बंद है। कहाँ तक पढ़े हैं? मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। अच्छा ये पढ़ाई लिखाई किए, जहाँ तक इन्होंने इनके गार्जियन सक्षम थे कराएं, अभी मजदूरी करते हैं, तो क्या आपको काम मिल पाता है? जी नहीं, अभी नहीं, पहले इस लॉकडाउन से पहले बाहर थे कि गांव में ही थे? बाहर में थे, दिल्ली में। बाहर में थे कोरोना वैश्विक महामारी के चलते अपने घर पर आ गए, जैसा कि नीतीश कुमार ने बोल रहा था कि अगर जो मजदूर बाहर से आए हैं गाँव में ही
काम दिया जाएगा, तो गांव में किसी प्रकार का कोई काम कोई नहीं, काम नहीं। देखिए वैश्विक महामारी में मजदूर लोग जब घर पर घर बैठे हैं तो इनका एक दिहाड़ी होता है 400-500 जो भी बाहर कमाते हैं तब इनका जीवन यापन चलता है। जब 5 महीने 6 महीने से घर पर बैठे हैं तो इनका कैसे जीवन यापन चलेगा, किसी प्रकार की कोई मुहैया नहीं कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें वोट किसे कीजिएगा, लालू यादव के, मोदी के, नीतीश के कि पप्पू यादव के? नीतीश, लालू यादव 15 साल में तो कुछ नहीं देखे, इस बार पप्पू यादव जी को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं हम। पप्पू, तो यहाँ युवा का भी मांग है कि इस बार पप्पू यादव को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और कुछ भैया आप बताइए कि इस बार चुनाव जो आएगा, नेता सब वोट मांगने चुनाव के टाइम में आते हैं, कहावत है ना जब बारिश होता है तभी मेढक निकलता है, तो वैसे ही नेता भी फुदक फुदक के सब बाहर आएंगे, इस बार वोट किसे कीजिएगा? अरे वोट किसे करना है, वोट तो उसे करेंगे जो बाढ़ में शरीर पर लेते हुए ना कुछ आगे देखे ना कुछ पीछे देखे, पूरे सर बराबर पानी लेके जनता को भोजन पहुंचाने का काम किए, उनके घर तक बीमारी हुआ दवाई पहुंचाने का काम किए, कैंपेन किए। हमारे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को वोट करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं पहले ही बताया कि पिछले साल जो पप्पू यादव काम किए थे पूरे पटना में, पूरे बिहार में जहाँ तक वो जा सकते थे, अच्छा काम, उन वो काम को देखकर ये फैन हो गए। पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। प्रभात कुमार जी पप्पू यादव के फैन हो गए हैं कि अब इस बार उन्हीं को वोट करना है। तो हम अब बात करते हैं सीधा मनीष जी से कि लगता है इस बार भैया आपने जमीनी स्तर पर अच्छा काम किया है कि आपके जो पंचायत हैं वहाँ पर लगभग जो हैं ये जो दिख रहा है सब जो इधर हैं लोग सब बता रहे हैं कि इस बार पप्पू यादव का समर्थन होगा, तो आपने तो जमीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा काम किया है, तो यह कैसे संभव इतने जल्दी कोरोना वैश्विक महामारी या पिछले साल से आप लगातार काम कर रहे हैं कि इस बार पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए ऐसे तो हम लोग जब से पार्टी का स्थापना हुआ तब से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे नेता जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी, उनका काम करने का तरीका देख करके लोगों में जो है एक ऊर्जा की तरह, उनका जब नाम लोग सुन लेते हैं तो उनके शरीर में, लोगों के शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होता है उनका काम देख करके, उनका सेवा देख करके, और उन्हीं के लिए हम लोग हर एक लोगों से घर घर जा कर के उनके कार्य का लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को जो है सो जानकारी देते हैं तो अच्छा लगता है, और दिखाते हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, न्यूज पर, लोग को अच्छा लगता है और लोगों ने मन बना लिया है इस बार हम लोग पप्पू यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हमारा जो मजदूरी के लिए बाहर जाता है वहाँ से बाहर से भी मतलब मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता है मजदूरी के लिए, नए यहाँ एक फैक्ट्री है काम करने के लिए, जब पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार में ही लोगों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए फैक्ट्री का भी काम बनाने का काम करेंगे ताकि बिहार से बाहर जाने न पड़े। प्रेम जी आप भी कुछ बताए कि खासकर जैसा कि पप्पू यादव जी का कहना है कि हम पूरे बिहार में युवा को जोड़ रहे हैं, तो आप किस तरह काम कर रहे हैं? हमारी पार्टी खासकर युवा वर्ग से ही है और युवाओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है। आप पिछले साल चुनाव में देखे होंगे कि हमने पटना विश्वविद्यालय चुनाव जीतने का काम किए थे। हमारे छात्र नेता मनीष यादव जी जो युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको अभी जेल में बंद कर दिया गया है और 6 महीना से जेल में बंद है। वो सिर्फ इसीलिए मांग कर रहे थे कि जितने भी बाहर फंसे हुए हमारे छात्र नौजवान जो काम कर रहे हैं उनको मुहैया, राहत मुहैया कराया जाए, सड़क से जो पैदल लोग आ रहे थे उनको गाड़ी सुविधा पैसा दिया जाए, इसी कारण उनको जेल में नीतीश कुमार जी उठा करके बंद कर करके राजनीतिक साजिश के तहत छात्र नेता को 6 महीना जेल में बंद करके रखे हुए हैं। इस तरह का नीतीश कुमार जी आरोप लगाते हैं, उनके छात्र जो भी लोग हैं मतलब सरकार से जो जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ के जो मतलब सरकार है वो विफल है, सरकार साफ विफल है। वो किसी तरह का जितने यहाँ देखे होंगे दलित महादलित हमारे जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये लोग त्राहिमाम हैं रोजगार के लिए।
हमारे यहाँ का रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार है लेकिन अभी देख लिए समस्तीपुर में ही, समस्तीपुर में दो दो फैक्ट्रियाँ बंद हैं। हमारे पूरे बिहार में एक भी चीनी मिल चालू नहीं है। हमारे यहाँ पेपर मिल है, पेपर मिल भी बंद है। तो सब हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं लेकिन सरकार कान में तेल देकर सो गया है। यहाँ के युवाओं और युवाओं ने इस बार ठाना है कि पप्पू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जी धन्यवाद। जैसा कि प्रेम जी ने बोला कि रोजगार की कमी है, हमारे फैक्ट्री पहले से जो बंद थी वो अभी है, अगर चालू कर देते नीतीश कुमार अगर इस कोरोना काल में, तो जो मजदूर बिहार अलग अलग जहां से काम कर रहे थे, प्लान करके बिहार में आए थे, तो उन्हें मजदूरी काम करने का मौका मिलता और अपने परिवार का जीवन यापन कर पाते आसानी से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।